Dear students, welcome to all. In this lecture, आज जो topic हम लोग study करने जा रहे हैं उसका नाम है transition states and intermediates. देखिए, पिछले के क्लासों में हम लोग study कर चुके हैं कि कोई भी reactant product में तभी बदलता है जब वो एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, और इसे हम लोग ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, और इसे ये डेल्टा जी स्टार से डिनोट करते हैं, और इस में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ ये There may be one transition state or more depending upon the reaction condition. और ये देखिए, transition state को हम लोग यहाँ इस तरह से ये दिखा सकते हैं potential energy diagram के basis पर. यहाँ देखिए, ये reaction coordinate है और दूसरा इधर ये potential energy है. इधर ये left side में ये energy है delta, ये क्या है कि ये फ्री एनर्जी चेंज है रिएक्शन का, और ये ट्रांजिशन स्टेट है विथ नो इंटरमीडिएट. मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट हो जिसमें क्या है कि ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये जैसा कि ये SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर रिएक्शन में इस तरह के केस पाए जाते हैं. देखिए, जो ट्रांजिशन स्टेट है ये काफ़ी हाईली जो है वो रिएक्टिव स्टेट होता है, और इसमें इसके बाद जो है वो क्या है कि ये अगर इसमें डीप आता है तो ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट में क्या है, ये दो तरह के ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर ये बनते हैं. ये फॉर ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर रिएक्शन फॉर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. देखिए, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट वन है, और फिर ये लोअर इसमें आया ये डीप, यहाँ ये इंटरमीडिएट को ये डिनोट करता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड है, और फिर क्या है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ तो वो एक वो भी एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर टू एक्वायर प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टॉप ऑफ द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. इन द टॉप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस सिचुएशन इज एप्लीकेबल टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, ये कोई भी जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदलने के लिए वो एक हम लोगों ने देखा कि सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, और वो टॉप ऑफ द जो ये कर्व है उसे हम लोग ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. उसमें जो स्पीसीज बनता है उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. तो ये मॉलिक्यूल्स जो आपस में अप्रोच करते हैं वो प्रॉपरली ओरिएंट होते हैं एट द टॉप ऑफ द कर्व, और जिसे हम लोग ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. और ये इस सिचुएशन में ये न्यूक्लिया या इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एप्लीकेबल हो पाता है इसमें. और इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट के जो है ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होते हैं. ये पहला है ये डिफिनिट ज्योमेट्री, पिछले क्लास में भी हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं. तो दूसरा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग नो डिफिनिट एग्जिस्टेंस बाय द स्पीसीज फॉर्म इन ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट में जो स्पीसीज बनता है उसका कोई डिफिनिट जो है वो ये लाइफ
टाइम नहीं होता है और इसलिए ये क्या हाईली रिएक्टिव होता है और ये द सिस्टम इन ट्रांजिशन स्टेट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो इन ट्रांजिशन स्टेट देर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है वो रिएक्टेंट के साथ ये क्या हुआ ये इक्विलिब्रियम में होता है और फिर क्या है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इस तरह से देखते हैं और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्टार और फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में रिलेशन है डेल्टा जी स्टार इजकल टू -2.303 आर टी लॉग के स्टार एंड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा जी इज रिलेटेड टू द इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एज डेल्टा जी स्टार इजकल टू डेल्टा एच स्टार -TdS स्टार एंड दीज कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द रिएक्शन कम्प्लीशन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मेकानिज्म। तो अभी हम लोग देखा कि भाई ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलने से पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है जो हाईली रिएक्टिव स्टेट है और इसमें जो स्पीसीज बनता है वो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो और यहाँ पर ये क्या है कि ये प्रॉपरली ओरिएंट होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि और दूसरी बात ये कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ये हम लोग देखते हैं इसे क्या है कि ये कौन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा ये इन डेल्ट फ्री एनर्जी चेंज पे ये डिपेंड करता है। ये तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट एंड एसेंट टू रिएक्शन। देखिए हमें पता है जो एसेंट टू रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो ये प्रोडक्ट में बदलता है और इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ये हम लोग भी इसे देखा सकते हैं। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म इसका किस तरह से होगा इस रिएक्शंस का हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो एसेंट टू रिएक्शन है इसमें देखिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये मिथाइल जो ये हैलाइड है बीच में इसका स्ट्रक्चर है और लेफ्ट और राइट साइड में ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ये फ्रंट साइड से ये यहाँ ये मिथाइल को हैलाइड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है या अपोजिट साइड से रिएक्ट कर सकता है। तो इस ये किस तरह से ओरिएंट करेगा जिससे कि रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो देखिए फ्रंट ये जो न्यूक्लियोफाइल अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करते हैं तो ये क्या है कि जो हैलाइड आयन है जिस पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस पर भी ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ये यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ और इस केस में क्या है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जबकि ये अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो अपोजिट साइड में सिचुएटेड है और ये देखिए और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और क्या है कि ये इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखते हैं कि यहाँ कि ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा अदरवाइज रिएक्शन
पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ दिखाया गया है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन को, और यहाँ ये चीज़ें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि भाई कार्बन हैलोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें क्या कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है मॉलिक्यूलर, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग ये कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी चीज़ इक्विलिब्रियम भी थे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और ये देखिए जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है और मिथाइल हैलाइड है उसके साथ ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर ये कार्बन क्या, ये पेंटावेलेंट है और ये रिएक्टिव होता है, और ये क्या है कि ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड यहाँ पर ये फॉर्म होता है। तो द ट्रांजिशन स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रैपिडली। देखिए दे एनर्जी रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट एंड द प्रोडक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द रिएक्शन ऑफ मिथाइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी गिवेन एज। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मिथाइल हैलाइड है ये और प्लस न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट है, और ये आपस में जब अप्रोच करते हैं तो क्या होता है ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर ये हाईली स्टेट हाईली जो है वो ये रिएक्टिव स्टेट होता है ये। तो इस तरह से और रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बता रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से देखते हैं और फिर क्या है कि ये प्रोडक्ट ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या है कि ये टूट जाता है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल ये बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई ये ट्रांजिशन स्टेट वो किस तरह से ये SN2 रिएक्शंस में बनता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा ये ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स, ये जैसे स्पेशली SN1 रिएक्शन में क्या कि ये इंटरमीडिएट बनते हैं कार्बोकैटायन, और दूसरे भी जो रिएक्टिव स्पीसीज है जैसे कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, तो इस तरह से हम लोग ये बेंजाइन है स्टडी ये कर सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन होता है। तो आज ये इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।